हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरफुल क्रिएचर्स। दोस्तों, हमारे इस प्लैनेट पर ऐसे बहुत सारे जीव प्रजातियों का वास है जो इस दुनिया में टिके रहने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब वो सारे तरीके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ कुछ जानवर तो अपने विष के सहारे दूसरे जानवर से खुद को रक्षा करने में सक्षम रहते हैं, और कुछ कुछ जानवर अपने बॉडी के नुकीले अंग जैसे सींग, दांत और नाखून के सहारे दूसरे जानवर से खुद को रक्षा करने में सक्षम रहते हैं। आपको तो सुन के विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो अपने स्किन को इतना ज्यादा जहरीली बना सकती है कि शिकारियां उनको पकड़ने का हिम्मत भी नहीं करती है। कुछ प्रजातियों के मेंढक में ये क्षमता नजर आती है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो परिवेश के परिवर्तन के साथ अपने अंदर कुछ स्पेशल अंग विकसित करने में सक्षम हुए हैं। वैज्ञानिक का तो ये मानना है कि ये जानवर अपनी ही बॉडी के रोम को कांटे में रूपांतरित करने में सक्षम हुए हैं। अभी तक तो समझ में आ ही चुका होगा कि मैं किस जानवर के बारे में बात करने वाली हूँ। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूरा वीडियो देखते रहिए। नाम पॉर्क्यूपाइन। इनको हिंदी में साही कहा जाता है। साही रैट यानी चूहे की प्रजाति में पड़ता है। दुनिया में आमतौर से दो प्रकार के साही पाए जाते हैं। पहला है हिस्ट्रोसाइडे परिवार का ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन। इस शाही का विशेषता ये है कि इनके कांटे बहुत लंबे होते हैं और इनके बॉडी के पीछे के हिस्से में रहते हैं। जब साही चलते हैं तो ये कांटे खटखट करके आवाज निकालती है। इनके सर के ऊपर भी लंबे कांटे रहते हैं। ये प्रजाति अफ्रीका, यूरोप और एशिया के पश्चिमी और दक्षिण के देशों में भी पाई जाती है। भारत में भी ये प्रजाति पाई जाती है। दूसरी है एरिथोज़ोनटाइडे परिवार का न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन। इस साही की विशेषता ये है कि इस साही का पूरा बॉडी छोटे छोटे कांटों से ढकी होती है, और ये प्रजाति उत्तर और उत्तर दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है। ये जंगल में रहती है और आसानी से पेड़ों में चढ़ जाती है। ज्यादातर साही की औसत लंबाई 60 से 90 सेमी और इनका पूंछ 20 से 25 सेमी तक होता है। इनका वजन 5 से 16 केजी तक होता है। पॉर्क्यूपाइन विभिन्न शेड्स के हो सकते हैं, जैसे ब्राउन, ग्रे एंड व्हाइट। चूहों के कुल 58 स्पीसीज में से एक खास स्पीसीज है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन शब्द का उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द पॉर्कस और स्पाइनर से। एरिथोज़ोनटाइडे और हिस्ट्रोसाइडे वर्ग के भी बहुत सारे पॉर्क्यूपाइन प्रजाति इस दुनिया में पाए जाते हैं। ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन सूखे पथरीले इलाके ज्यादा पसंद करते हैं। भारत के गिर फॉरेस्ट में चट्टानों के पास ये पाए जाते हैं। न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन जंगल में रहना पसंद करते हैं। शाही निशाचर जीव प्रजातियों में से है। ये ज्यादातर रात में ही खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। पॉर्क्यूपाइन्स आमतौर से हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी जीव है। ये सब्जी, फल, बीज इत्यादि खाके जीवित रहते हैं। अमेरिका में विंटर में जब बर्फ गिरती है तो इनको खाना ढूंढने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त ये पेड़ों के छाल, पत्ती इत्यादि खाके जिंदा रहते हैं और पेड़ों के ऊपर चढ़ के अपना खाना ढूंढते हैं। इनके बॉडी के स्पाइन्स या कांटे इनको शिकारियों के हाथों से खुद को बचाने में मदद करती है। जब शिकारी इनके करीब आते हैं तो साही उनके तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं। ये कांटे अगर गलती से भी शिकारियों को चुभ जाए तो वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है और वहाँ बड़ी घाव बन जाती है। ये दुनिया का एकमात्र मैमल है जो अपने बॉडी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज बना सकती है। अगर कभी भी इनके ही कांटे इनके खुद के बॉडी में चुभ जाए तो ये प्रॉपर्टीज इनको इन्फेक्शन से बचाती है। इन सब के बावजूद भी इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। कुछ कुछ देश
खासकर वियतनाम के बासिंदे इसके मांस के शौकीन होते हैं। और तो और इनके कांटे भी कुछ कुछ देशों में ट्रेडिशनल पोशाक के साथ पहना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नेटिव अमेरिका के जनजातियों के बाद कहा जा सकता है, ये लोग शाही के कांटों से जड़े हुए पगड़ी अपने सर पे पहनते हैं। ये लोग इनके कांटों को सुई के बदले अपने कपड़े सीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शाही तेंदुओं जैसे जानवरों का पसंदीदा खाना है। भारत के गिर फॉरेस्ट में इसलिए तेंदुओं द्वारा इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है, पर भारत के कई चिड़ियाघरों में इनको संरक्षित किया जा रहा है। फिलहाल इनकी आबादी अभी इतना भी नहीं कमी है और ये प्रजाति भारत में अभी अच्छे से फल फूल रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।